हमारे वाले वीडियो की सीटी। पूरी रात ऐसे सीटी चलाएंगे कि मतलब स्क्रैचेस आ जाएंगे सीटी पे। दोस्तों, राजकुमार राव की मोस्ट टॉटेड फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जिसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 9 दिन हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस फिल्म के शुरुआती 8 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और 9वें दिन के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, मैं आपका दोस्त सुमित केरावल। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक बता दूं कि बॉलीवुड की मोस्ट टॉटेड फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जो कि एक कॉमेडी पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है राज सांडिल ने। वहीं दोस्तों, इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिले राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, विजय राज, मल्लिका शेरावत। हुए दोस्तों, इस फिल्म को 11 अक्टूबर को रिलीज किया गया है जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 9 दिन हो रहे हैं। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने पहले दिन 5,50,00,000 रुपए का, पहले हफ्ते से 27,02,00,000 रुपए का, 8वें दिन 1,40,00,000 रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआती 8 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 28,40,00,000 रुपए का। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के 9वें दिन यानी आज की, तो ये फिल्म आज लगभग 1,30,00,000 रुपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती 9 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 29,70,00,000 रुपए का। तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 35,40,00,000 रुपए का। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 38,70,00,000 रुपए का। तो दोस्तों, ये थे राजकुमार राव की मोस्ट टॉटेड फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की शुरुआती 9 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देख ली तो हमें नीचे कमेंट्स कीजिए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप भी राजकुमार राव तृप्ति डिमरी के डाई हार्ड फैन तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस फिल्म की आने वाली सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।